खबर शिवपुरी से है, जहां पार्षदी चुनाव को लगभग 5 महीने हो चुके हैं। जहां पहले भी पार्षद पद पर रह चुकी पार्षद इस बार हुए चुनाव में फिर से पार्षद बनी। एक पार्षद का काम होता है कि वह अपने वार्ड में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जैसे कि लाइट, रोड, गंदगी, सीवर लाइन द्वारा खराब सड़क और पानी जैसे कई आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जिससे वार्ड में रहने वाले वार्ड वासियों को। लेकिन यहाँ थोड़ा हटकर है, आपको बता दें कि शिवपुरी में पुराने टोल टैक्स मनिया मधुवन नगर कॉलोनी वार्ड नंबर 12 के वार्ड वासियों द्वारा बताया गया कि हमें कई सालों से सड़क और नालियों की काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में घुटनों तक पानी भर जाता है, जिसके चलते घरों में पानी और रास्ते में निकलने वाले राहगीरों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं वार्ड पार्षद सरोज धाकड़, जो कि पूर्व में भी पार्षद रह चुकी हैं, जिसके बाद भी पुनः प्रयास करने के बाद वर्तमान में भी पार्षद पद हैं। वहीं वार्ड पार्षद सरोज धाकड़, जो कि पूर्व में भी पार्षद रह चुकी हैं, जिसके बाद भी पुनः प्रयास करने के बाद वर्तमान में भी पार्षद पद पर हैं, लेकिन अभी तक जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। मुख्य समस्या रोड सीवर के द्वारा खोदी गई रोड अभी तक नहीं सुधरी और न ही कचरा गाड़ी समय पर आती है और न ही नालियों की समय पर सफाई हो रही है। और तो और मुक्तिधाम की ओर जाने वाला मुख्य रास्ता जो बस स्टैंड से जुड़ता है, वह रोड खराब पड़ी हुई है। वहीं मुक्तिधाम के सामने बना पार्क भी जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। आखिर कब तक ऐसी स्थिति का सामना यहाँ निवास कर रही जनता करेगी, आखिर कब तक? क्या नाम है आपका? गिरिजा शंकर शर्मा। कहाँ रहती है? मधुबन नगर शिवपुरी मनियर वार्ड नंबर 12। पार्षद कौन है? पार्षद बीजेपी की पार्षद सरोज धाकड़। क्या कुछ समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं? समस्याओं का समाधान क्या है? कुछ नहीं है, देख लो आप रोड की हालत। कितने सालों से इस प्रकार की रोड बनी? यहाँ से जब से सीवर लाइन खुदी है लगभग 7-8 साल। अभी तक किसी प्रकार का अभी से कोई सुधार नहीं है इस पे। जब से सीवर खुदी है, जब से सीवर से पहले बढ़िया सीसी रोड थी, 5 तारीख तक, जब से आज तक कुछ नहीं हुआ। आपने बोला उनसे? कई बार लोगों से कंप्लेंट वगैरह भी किया, पार्षद से वगैरह से भी शिकायत की है रोड की बन जाएगी, पर लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ना बनने का क्या कारण होता? अब ना बनने का, अब जो तो पार्टी जाने, नेता लोग जाने क्या कारण है क्या नहीं, इसमें व्यक्तिगत में तो अपन कुछ बोल भी नहीं सकते, जानकारी भी नहीं है अपने को। जैसे आपने उनको जिताया, पार्षद बनाया, क्या कुछ सोच के आपने बनाया? क्योंकि पिछला कार्यकाल जब वो नहीं करवा पाए तो इस बार आपने क्या सोच के उनको जिताया? अपने कॉलोनी की हालत सही होगी, रोड वगैरह, नल, पानी, सड़क की सुविधा हो, पर लेकिन प्रेजेंट में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब अगर आगे अगर वो खड़े होते हैं जो भी उम्मीदवार है, क्या रहेगा बाप? अब आगे की, अब देखो क्या होता है आगे की, भविष्य भविष्य। क्या नाम है तुम्हारा? दंती। कहाँ रहती हो? मनियार। कौन सा वार्ड है ये तुम्हारा? 12। क्या समस्या आ रही है आपको? रोड बनी नहीं है, क्यों साल हो गए? कितना समय हो गया? क्यों साल हो गए? कम से कम 8-9 साल हो गए। पार्षद कौन है यहाँ पे? सरोज धाकड़। अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई? दोबारी बात की गई थी, दिवाली बार। हाँ, पिछले साल भी उनका ही कार्यकाल था, बिल्कुल ही। अभी तक रोड नहीं डाली? नहीं डाली। आपने उनसे बोला? बोला। क्या बोला उन्होंने? अभी बनवा देंगे, टाइम नहीं है, मंजूरी नहीं भाई। अच्छा, आपने क्या सोच के उनको पार्षद बनाया? सब दुनिया ने दे, हमने दे रिपोर्ट, हमने बनने जानी, आपकी गिरवा देंगे हम रोड। अब दिवाली बाद की कही थी, दिवाली बाद हो गई, लेकिन अभी तक रोड नहीं, कोई नहीं बनी। क्या कहना चाहोगे कि ये रोड क्यों नहीं डलवा रहा है? हम तो जो कहते हैं मन से, सरोज से, फिर ना देखो इधर मरे भी जाते हैं, जिंदे भी जाते हैं, इधर रोड क्यों नहीं बनवाई तुमने, बताओ है? वो हमारे ठेला बैठा ही रहता है रूम पे, बस स्टैंड पर ठेला लगाते हैं, लावे हिम्मत ही नहीं बोले। क्या नाम है तुम्हारा? रमको ठाक। कहाँ रहते हो? मनियार। वार्ड नंबर कौन सा है? 12। 12। किस प्रकार की समस्या आ रही है इस वार्ड में? इसमें वार्ड में रोड नंजा चीच मचरा ही है, साफ नाली नहीं हुआ है, मच्छर खाता है। कितने सालों से ये सामना? बहुत साल हो गई। क्या साल हो गए? आपने पार्षद से इसकी शिकायत? पार्षद साल तो कहता था भी नहीं करा कछु। पार्षद से आप कुछ नहीं हो? वोट मांगने फिर बाप नहीं कर ये लेने खुद गया, नल गिरी है तब खुद गई, ये सवाल लेने खुद गई। पार्षद आए नहीं? हाँ, जब से कछु नहीं गिरो, सवाल लेने खुद गया, जे लेने गिर गया जब से, जब जा सकबो नहीं भाई कछु रोड की। हमें तो कचरा नहीं।